होई पे रोड बनी नहीं नानी भाई वो तो मोड़ में भी नहीं छोड़ रहे यार। भाई जस्सी गिल का शो है जो पंजाबी सिंगर है। फोटो फोटो कॉलेज बहुत है भाई। मैंने तो बचपन से साथ पढ़ा, मैं खुद ही नहीं पहचान पाया भाई, बताओ तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की एक और इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तो भाई आज 15 जनवरी, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई आज हम जा रहे हैं बागेश्वर उत्तरायणी मेले में, वहाँ की झलके दिखाएंगे तुमको, पूरा फील देंगे कि भाई हाँ आपको लगेगा कि आप भी उत्तरायणी मेले में गए हो। कल मैंने यूट्यूब पे एक अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाला था कि भाई कौन कौन उत्तरायणी मेले में जा रहे हैं। भाई पहले हमारा कन्फर्म नहीं था जाना, पर मैंने पोल डाला तो उसमें 75% लोगों ने कहा था कि भाई हम जाना चाहते हैं पर हम जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा भाई, मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा भाई यार इतने सारे जो अपने व्यूवर्स हैं देखने वाले, भाई जा नहीं पा रहे हैं, तो हम जाएंगे और दिखाएंगे भाई तुमको उत्तरायणी मेले का पूरा फील देंगे, इतना तो हम तुम्हारे कर ही सकते हैं। तो भाई हम लोग जा रहे हैं, हमारा प्लान कन्फर्म किया फिर हमने, और अभी हम जा रहे हैं बहुत सारे यहाँ के अल्मोड़ा के ब्लॉगर्स साथ में। तो भाई नानी अभी यहाँ पर रोटी बनाई, नानी आ रखी नानी मदद करने के लिए, क्योंकि भाई आज मैंने बिल्कुल ही मदद नहीं की। और पापा भी लगे हैं भयंकर, पापा तो सुबह से लगे हैं। आपको लास्ट टाइम बताऊँ कब देखा था, जब गांव में ब्लॉग बना। देखो मैं रोटी बना रही हूँ पहाड़ी में, बोलो पहाड़ी में। हाँ। पहाड़ी में मजा आता है। रोड बड़ो नहीं हो, सब्जी बड़ो नहीं हो, होई पे रोड बड़ो नहीं नानी, घुगुत बड़ो जाओ हमारे यहाँ, घुगुत बड़ो नहीं। तुम्हारे यहाँ मसाजी दिन बड़ो नहीं, और हमारे यहाँ सदराजी दिन बड़ो नहीं। बागेश्वर में बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा। तो भाई नानी कह रही है बागेश्वर में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो संभल के जाना है, खूब कपड़े वपड़े पहन के जाना बढ़िया से। होई पे बहुत ही ठंडे रूम आ, तो मगे तो पहाड़ घूम लेने लगे पहाड़ी मगे पहाड़ में पहाड़ पहाड़ बोलन चांद पर मैं आने आने लग रहे। हमारे आज चार आज दिन घुगुत बड़ो नहीं, खजूर बड़ो नहीं, और इतना उतना चार दिन ही। तो भाई अभी अपन रेडी हो चुके हैं, तुमको पहाड़ी समझ में आई नहीं आई बता देना। बाकी नानी कह रही थी कि बागेश्वर बहुत ठंडा होता है, हमारे वहाँ घुगते बनाते हैं, घुगते खजूरे, और अगले दिन कौवा बुलाते हैं। तो भाई अभी फटाफट से रेडी हो चुका हूँ और फिर निकलते हैं भाई। भाई लोग अभी तैयारी फुल हो चुकी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं रख दी यहाँ पे, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, और चार्जिंग। भाई चार्ज तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो इसको कहीं लगाने का मिल जाए तो बहुत सही हो जाएगा, चार्जिंग रख लेता हूँ। अभी हमारा कुछ कन्फर्म नहीं है कि भाई वहाँ रहने का कैसी करके, क्योंकि रूम हमने ऑनलाइन देखे, कल देख रहे थे भाई, और उसमें क्या और था कि वो बागेश्वर देखे जागेश्वर दिखा रहा, पता नहीं कैसे नहीं होता। ओयो वाले में हम रूम देख रहे थे, और बागेश्वर में बाकी सब फुली दिख रहे थे, बुकडे दिख रहे थे, बाकी पता नहीं कैसे होगा, वहीं ऑफलाइन देखेंगे जैसा भी होगा। पर भाई बहुत महंगे मिलने वाले हैं, कहीं दूर दूर पे देखेंगे जैसा भी होगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। इसलिए मैंने पहन रखा है स्वेटर, जो हाफ स्वेटर कल मैं कह रहा था, सब कुछ फुल्ली फाइनल, बाकी देखेंगे वहाँ ठंड कैसी है। भाई क्यों नानी, अरे तो कमागो कमागो, ये स्वेटर है इसका अंदर स्वेटर है, ठीक है रुको मैं बताता हूँ आपको, ये स्वेटर है हाफ, इसके अंदर इनर है जो सबसे गर्म होती है, फिर ये है ठीक है, इसके बाहर से जैकेट भी है, बहुत ज़्यादा इससे ज्यादा कुछ आ भी नहीं सकता। बाकी अपने दोस्त से मैंने कहा सॉल ले आना, सॉल होगा उसके पास तो रख लेगा, सॉल ओढ़ लेंगे ना। बाकी टोपी है ये और बाकी ये भी है, ये देखो ना आगे सब तैयारी, सॉल मेरे पास कहाँ है, हाँ यार कहीं चोरी वोरी हो गया, हो गया हाँ वही तो कह रहा हूँ, देखना पड़ेगा। तो पहले भाई फुल रेडी हो चुका हूँ और लगाते हैं भाई टीका, सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं और टीका लगाते हैं, बहुत ज़रूरी है भाई, फिर होगी सफ़र की शुरुआत। ये लग गया भाई हमारा टीका, और टाइम तो भाई मम्मी लगाती थी, ये पापा भी बिजी हैं भाई काम वाम कर रहे, तो भाई आज खुद ही लगाते हैं, निकलते हैं भाई, सबको कॉल कर दिया, बात होगी सब आ रहे हैं, NTT पे मिलेंगे सब। भाई मज़ा आएगा आज ना, नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है ना, और मंदिर भी जाएंगे दर्शन करेंगे, पहले इससे पहले कभी नहीं गया बागेश्वर, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यार, साथ में सारे बंदे ना अपने ब्लॉगर्स आए हैं। भाई प्रणाम, ठीक है फ़ोन कर दूँगा। तो भाई अभी जैकेट भी पहननी है, पर भाई अभी इतना गर्म हो रहा ना, एक पहनने जैसा नहीं हो रहा, अभी बिना जैकेट के इतना गर्म हो रहा ना भाई, क्या होता है वहाँ जाके पता नहीं कैसा रहेगा यार, रात तो खैर होगी ठंड। तो भाई लोग निकालते हैं गाड़ी, गौरव भाई अपना जो है ना तुमको भी मिलाएंगे उससे, क्या हाल है, तो बढ़िया है। क्या हाल है भाई, वहाँ से आ रहा हूँ, माइक लगाना भूल गया, बहुत देर हो गई यार तुमने बताया, मैंने कहा तूने कहा कॉल किया, ठीक है मैं सीधा आ गया, पांडे जी भी आ गए मस्त राइड में, चलते भाई हम दो जा रहे हैं, NTT पे मिलेंगे बंदे, चल शॉल रखी नहीं मेरे लिए, रखी है। अरे यार मजा आ गया भाई लोग, अभी गौरव भी आ चुका है, भाई ने भी अभी स्टार्ट कर दिया दोबारा से ब्लॉगिंग, तो भाई चलते हैं अभी NTT पे, आधे बंदे मिलने वाले हैं, और बाकी फिर देखते हैं क्या सीन बनता है आगे का। बाकी यार बंदों को मैं 10 बजे का टाइम दिया था भाई, 11 बजने वाला है, 10 बजे कहा था कि पहुंच जाना, और ऐसा भी कहा था कि भाई टाइम से पहुंच जाना एकदम, एंड टाइम पे कभी किसी का कुछ हो रहा कुछ हो रहा, क्या ही कर सकते हैं यार। 12 बज चुके हैं और सारे भाई लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं, ये गौरव भाई, ये हैं पंकज जी, क्या हाल है भाई, ओके बहुत बढ़िया, मस्त मजा आ रहा है, धूप सेक रहे हैं, ऐसा तैयार हो रहा है भाई का, क्योंकि भाई का अब नया फोन ले लिया तो वाइड एंगल आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं यहाँ से दिखना चाहिए भाई, तो ऑन ऑफ कर सकते मोबाइल को। बाकी भाई 12 बज गए हैं और निक्स भाई हमारा जो है पतली कमरिया वाला वो आ रहा है अभी, बाड़े छिनाऊ पेट छालू कह रहा भाई, 10 बजे का टाइम किया था, 12 बज गए,
दस बजे से वेट कर रहे भाई, निक्स आए नहीं रहा, कॉल भी नहीं उठा रहा, आप दो तीन कॉल कर लिए। चलें क्या पंकज भाई? चलें, चलो तो भाई चलते हैं। निक्स भाई से कह देंगे कि भाई तू मिलना हमको, बस वाली साइड नमित भाई रहते हैं ना, आ ही जाएगा वो फटाफट। हम लोग तो धीरे धीरे निकलते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप बैठे बैठे इतना परेशान हो गए ना भाई, क्या ही बोले। तो भाई लोग यहाँ पहुँच चुके हैं सिमतोला इको पार्क, और भाई अब सीधे चलते हैं भाई बस वाली साइड को। तो भाई लोग यहाँ पहुँच चुके हैं कसार देवी के एरिया में, और भाई ये है सामने में कसार देवी का गेट। जय माता दी, जय कसार देवी माता की। और भाई सीधे चलते हैं, अब यहाँ से ग्यारह गोलू देवता का मंदिर आएगा, और फिर वहाँ से बस वाली साइड को। अरे अरे थापा जी यार। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं ग्यारह गोलू देवता के, यहाँ पे पीछे भी तुमको गेट दिख रहा होगा। परसों हम जब न्यू ईयर था ना, तो हम यहाँ आए थे कसार देवी और ग्यारह पे। तो भाई अभी चलते हैं और नवीद भाई से मिलते हैं। नवीद भाई बसौली पे हैं। भाई बहुत लेट हो गई है, 12:30 हो चुके हैं भाई। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं बसौली से थोड़ा सा आगे पे। हेलो बॉयज, यार इन्होंने बहुत देर लगा दी, 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अरे एक बंदा और आ रहा है, एक बंदे से और आ रहा है, उसकी लेते हैं। डीबी किलर की आवाज़ सुनाओ, निकाल के डीबी किलर निकाल दिया भाई ने एग्जॉस्ट से, सुनाओ जरा। अरे गलती कर दी, अभी लगाना है। ये भाई डीबी किलर निकाल, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लग चुकी है। एंटॉर्क भाई की, भाई की पल्सर 20, SP125, बेबी शेडो, बाकी भाई की पीछे N160। अभी एक बंदा आ रहा है, उसको फिर से रुकना पड़ेगा। पैंथर यार, मैं नाम ही नहीं पता। तो भाई यही है वो शख्स, हेलमेट खोलना भाई। भाई जनता जवाब चाहती है, बागेश्वर पहुँच के मिलेगा। तो यही बंदा था वो जिसका हम वेट कर रहे थे आपसे, निक्स भाई का। पहले को अभी हम यहाँ पे रुके हैं, अभी यहाँ पे चाय भाई मंगा के चाय पीते हैं। उस बाकी बंदे यहाँ पे बैठे हैं, और इस बेचारे का भाई माइक काम नहीं कर रहा। दूसरा माइक भी ट्राई कर रहा था, वो भी नहीं चल रहा। तू कर सकता है भाई, यूट्यूब में चेक कर रहा हूँ गाइस, देखते हैं क्या होता है। यू कैन डू इट। तो भाई ये देखो अपने रख चुके हैं चाय पकौड़े भाई, कैसे हो रहे? मस्त हो रहे, अब टेस्ट करके बताएंगे हम। तो गौरव भाई बताएंगे, गौरव भाई टेस्ट कर रहे हैं, मस्त हो रहे यार भाई। तो भाई अब चलते हैं, अब तुम आवाज के मजे लो, राइड के मजे लो, भाई के एग्जॉस्ट की आवाज के मजे लो, बाकी हमारी कमेंट्री के मजे तो लेते ही रहते हो आप। होगी भाई तगड़ी भाई राइड, अब सारे राइडर्स आ चुके हैं ना। बाकी गौरव भाई का माइक खराब हो गया यार, थोड़ा अच्छा ही लगता ना भाई का, थोड़ा मूड सैड जैसा हो चुका है। बाकी हमको भी अच्छा नहीं लगता है, सबका सब ठीक होना चाहिए ना भाई, माइक वाइक हो तो भाई थोड़ा अच्छा लगता है, एक भाई बंदा थोड़ा सैड हो जाए ना अच्छा नहीं लगता। बाकी दूसरा माइक हम ट्राई करते थे नमित भाई का वायरलेस वाला, वो भी सही नहीं हो रहा, वो भी उनके उसमें काम नहीं कर रहा गौरव भाई के उसमें। बाकी चलो जो भी है देखा जाएगा, ब्लॉग तो बनेगा भाई, ब्लॉग तो आएगा। बाकी अभी बसौली से यहाँ से थोड़ा सा आगे पे जाके आ जाता है अपना ताकुला, ताकुला तक मैं आया हूँ, ताकुला के बाद नहीं गया हूँ भाई आगे को। ये भाई साहब राइडर्स के साथ राइड करने में जब मज़ा आता है ना भाई, वो फील ना जब तुम करोगे तभी मज़ा आएगा। तो भाई ये देखो सामने बोर्ड दिख रहा होगा तुमको ताकुला, और यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा बागेश्वर, और गणनाथ मंदिर यहाँ से 8 किलोमीटर है भाई। तो भाई अभी डीबी किलर निकाला था, डीबी किलर लगा रहे भाई। तो भाई एट दी एंड भाई ने लगा दिया डीबी किलर, और भाई 2 बज गए हमको भाई, कहा हम 10 बजे जाने वाले, 2 बज गए भाई। इधर को कैमरा मुड़ाओ प्लीज एक बार दिखाओ आगे, क्यों की इन्होंने देर, प्रॉब्लम होती है भाई बहुत सारी, समझते हैं भाई। कहाँ 10 कहाँ 2 बहुत है। तो भाई डीबी के लिए लगा दिया, अब ऐसी साउंड है, अब सही है भाई, इतना है। पहले तो बहुत ही लाउड थी यार, उसका बेस जो आ रहा था ना भयंकर एकदम। तो भाई परसों हमने ये लिखा था यहाँ पे टारगेट 10K 2023, ये मैं तुमको दिखाना भूल गया था, 2023 में कराओ भाई के 10K 23 में नहीं होगा, यहाँ पे 24 लिख देंगे, 24 में नहीं होगा 5 लिख देंगे यहाँ पे भाई। ये सही है। तो भाई हमको नए ब्लॉगर मिल चुके हैं हमारे भाई, बड़े भाई, और ये भी वहीं को बागेश्वर को जा रहे हैं, तो भाई साथ के हैं ये भी अपने। अभी हम यहाँ पे हैं भाई जय माँ काली का मंदिर पे। हाँ, ये जो मंदिर बना है मतलब बहुत पहले, बहुत साल पहले, मतलब आज से 10-15 साल पहले, 15-20 समथिंग, तो यहाँ पे गाड़ी गिरी थी, मतलब एक पूरा ट्रक गिरा था जो कि सामान लेके जा रहा था, हमारे भी गाँव से थे, बड़ा बुरा सा लगता है। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे रुक जाता हूँ, एक बार हाथ जोड़ लेता हूँ, माता रानी का है मंदिर, इसीलिए एक बार आशीर्वाद। अच्छा उसके बाद बना, मतलब हाँ उसके बाद ही मंदिर बनाया गया। तो भाई माँ कालिया का आशीर्वाद ले लिया, अब चलते निकलते हैं यहाँ से, और बाकी शायद से 2 या 3 साल बाद हो रहा है जो उत्तरायणी का मेला है, तो भाई वैसे और भी भीड़ होने वाली है, मेरे को तो कंफर्म नहीं है, शायद से 2-3 साल बाद हो रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना वोना का सीन उड़ता, काफी सीन उड़ता उस वजह से, और बाकी सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो भाई दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हर एक शहर से लोग आ रहे हैं उत्तरायणी के मेले में, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो भाई बताते हैं आपको एक्सपीरियंस कैसा रहता है अपना। बाकी नमित भाई को देखो भाई स्टंट कर रहे हैं तकड़ा वाला, देखो भाई पूरा हाथ छोड़ें दो, अभी तो खड़े भी उठ गए थे, खड़े हाथ छोड़ रहे थे। ये भाई नमित भाई ने एक बार भी हाथ नहीं पकड़ा भाई, खतरनाक ही छोड़ दे रहे, थोड़ा बहुत हम भी छोड़ देते हैं, साइकिल में सीखा था अब बाइक में कर रहे हैं भाई। नमित भाई का पूरा आइडिया आया यहाँ का, मज़ा आ गया नमित भाई, यहाँ गाना चल रहा है, यहाँ डांस चल रहा है भाई, ये फुल स्टंट बाजी भाई। भाई वो तो मोड़ में भी नहीं छोड़ रहे यार, मतलब मोड़ में भी नहीं पकड़ रहे हो तो
ये हवा में ही रहते हैं, ये बैठते नहीं। बहुत साफ सेट है यार भाई का। पहले ऐसी मैं साइकिल में किया करता था यार, साइकिल में भी ऐसी अपना था भाई का, पूरा बाइक में है भाई। आई कैन राइड माई बाइक विद नो हैंडल बार्स, विद नो हैंडल बार्स। बाकी भाई ये सब ना एक्सपीरियंस के हिसाब से करना, जिसको आता है करके, देख देख के नहीं करना चाहिए सब। जैसे अगर हम नवीद भाई करके करके हम लोग भी करने लग जाए ना, बाकी थोड़ा बहुत इतना तो हम भी कर लेते हैं, पर उतना नहीं आता कि भाई मोड़ पे भी जैसे पकड़ रहे खड़े हो जा रहे, ये सब भाई एक्स्ट्रा नहीं करना है भाई। जहाँ पे तुम लिमिट पुश कर दोगे ना, वहीं पे एक्सीडेंट होता है भाई, वहीं पे दिक्कत आती है। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके रास्ते पे, एक मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया। तो भाई लोग अभी पहुंच गए हैं कटपुड़े छीना से आगे। रुक के मैंने अभी पापा को कॉल कर लिया था, दोस्त का भी कॉल आ रहा था जो हमको बागेश्वर मिलने वाला है, एक उसको भी कॉल कर लिया, बता दिया ना। तो भाई लोग अभी हम एंटर कर चुके हैं बागेश्वर में। ये हैं पंकज भाई हमारे, ये हैं थापा भाई, बाकी आधे भाई बंदे अपने वहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं, उनका पेट्रोल खत्म हो गया। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से मेले की ओर को भाई। गाड़ी पार्किंग का देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से पार्किंग मिलेगी नहीं, पीछे हमको कहीं पर रोकना पड़ेगा। सारे व्लॉगर्स निकल गए, मैं पीछे को देख रहा हूँ यार। तो भैया ये है अपना बागेश्वर, मेरा नहीं है यार। वो आता था ना अपना अपना बागेश्वर, अपना अल्मोड़ा कहने की इस टाइप का। उत्तरायणी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री जी कह रहे भैया हमारा बैनर सबसे आगे, हमारी फोटो सबसे आगे लगा दो भैया जी, और कुछ करो ना करो। इस साइड में तुमको दिख रही होगी नदी भाई, क्या माहौल है भाई। दिन में धूप के टाइम पे ना पे बैठो साइड में, क्या मस्त लगता होगा यार। यहाँ ठंडा बहुत जबरदस्त होता है यहाँ भाई, अभी होने लगेगा ठंडा खतरनाक वाला, रात को तो हालत खराब हो जाएगी भाई। आज तो जस्सी गिल भी आ रहा है वहाँ भाई। जस्सी गिल का शो है जो पंजाबी सिंगर है, सभी जानते होंगे, और बाकी जो नहीं जानता सर्च कर लेना, मिल जाएंगे सारे सॉन्ग। कई बार ऐसा होता है ना सिंगर, लोगों को पता नहीं होता कौन है, गाने सुने होते हैं उसके। ऐसा सीन है भाई, पूरा मेले में ऐसा कर देना है ना, डांस कर देना है, भयंकर गाना वाना पूरा शूट करेंगे, भयंकर तगड़े तरीके तुमको पूरा फील देंगे कि हाँ भाई तुमको लेगा भाई, सब दिखा दिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब काफ़ी सारे बंदे थे ना भाई, लोगों ने लिखा था कि भाई हम जाना चाह रहे हैं उत्तरायणी मेले में पर जा नहीं पा रहे हैं। तो भाई मैंने कहा यार जो नहीं जा पा रहे ना उनके लिए हम जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे और उनको दिखाएंगे भाई। तो भाई अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ का, लेफ्ट या राइट को, वहाँ से जाना नहीं है कह रहे बूबू जी। अच्छा मार्केट से घूम के जाना है, वहाँ से बंद कर रखा। चलो तो भाई ये शायद से मार्केट का रास्ता, यहाँ से जाना पड़ेगा हमको। बाकी देखते हैं भाई मार्केट का माहौल कैसा हो रखा है, और मार्केट तो सजी वजी है भले यार, वो तो अभी इतनी दिखेगी नहीं ना, रात को दिखती है बैंगल लाइट्स वाइट। तो भाई लोग यहाँ पहुँच चुके हैं पुल के पास, पुल में जाने का ना बहुत मन था मेरा। ये देखो बाकी भाई भीड़ देख रहे हो तुम भयंकर, ये देखो लग तो रहा है यार माहौल है कि भाई मेले वाला। बाकी मेला जहाँ लग रहा है वहाँ कैसा सीन होगा वो पता नहीं भाई। बाकी पुलिस देख रहे हो, चेकिंग वैकिंग तो नहीं कर रही, चलो किस किस को रुकेगी ऐसे स्टैम्प पे, कौन चेकिंग करेगा यार। भाई लोग ये है यहाँ की बागेश्वर की मार्केट, और भाई ये देखो ऐसा कुछ चकाचौंध है यहाँ पे मेले के टाइम पे। भाई पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से 85 किलोमीटर है भाई, कहीं दूसरी जगह की जब हम मार्केट में जाते हैं अलग फील आता है। जैसे कभी हल्द्वानी की मार्केट साइड जाओ या किसी भी शहर की मार्केट जाते हैं ना, अलग फील आता है, अपने शहर की मार्केट की याद आने लग जाती है यार भाई। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है बागेश्वर आके, मैं पहली बार आ रहा हूँ ना। बाकी भाई अच्छा तो तब लगेगा ना जब मंदिर जाएंगे भाई, दर्शन करेंगे, इससे पहले कभी नहीं गया हूँ, बहुत मन है जाके दर्शन करने भाई। तो भाई लोग अल्मोड़ा में लगता है भाई नंदा देवी का मेला, और यहाँ लगा है भाई उत्तरायणी कौतिक। भाई साहब चेकिंग हो रही क्या, पार्किंग करनी पड़ेगी नीचे, तो भाई यहाँ पार्किंग करते हैं क्योंकि भाई वहाँ से पुलिस जाने नहीं देगी, आगे बंद है पूरा, वहाँ कहाँ ले जाएंगी गाड़ी यार। तो भाई सारे भाई लोग अपने आ चुके हैं यहाँ पे, लगवाया कहीं सही जगह। तो भाई ये है यहाँ का पार्किंग स्थल, भाई देखो सारी बाइक से यहाँ आ रखी, सब लोगों ने यहीं लगा रहा क्योंकि आगे तो जाना है नहीं भाई। भाई मज़ा आएगा काफ़ी यार। पहुँच चुके हैं हम लोग बागेश्वर, यहाँ पे हमने सब लोगों ने पार्किंग कर दी है, और पार्किंग का चार्जेस भी लग गए हैं 20 रुपये के आसपास शायद पर पर्सन। उतर ही नहीं रह गया जस सर। तो अभी हम सब निकल रहे हैं यहाँ से सारे भाई लोग, और अभी हमको एक भाई और मिलने वाला है जो हमारा साहिल भाई है। तो भाई लोग भाई मिलते हैं साहिल भाई से, और तुमको भी मिलाते हैं भाई। तो भाई ये देखो ये पुल यहाँ पे दो, हाँ धूप पे खड़े होते हैं कोई दिक्कत नहीं। भाई साहिल भाई आ रहा अपना, पता नहीं किस साइड से आ रहा हम, कोई नहीं पता, मैंने उस हिसाब से चल लेते ना उस साइड कोई। तो भाई देखो यहाँ पे बैरियर वगैरह लगा रखे पुलिस ने, आने नहीं देंगे ना यहाँ पे गाड़ी वाड़ी, वरना कोई गाड़ी ले आएगा। मेरी सरूली भाई साहब क्या सही लग रहा है भाई, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है नदी यहाँ पे आए है। भाई हमारे बागेश्वर का है आगे भाई साहिल भाई, वेलकम टू, बहुत अच्छा लगा भाई से हमको। कल भाई हमारे ओयो ओयो रूम देख रहा था यार, मिला ही नहीं भाई, ये सारे साथ वाले भाई अपने आ चुके हैं। ये बताओ मैंने ये मास्क वास्क क्यों लगाया, आप पहचान लेंगे ना लोग, ये सब्सक्राइबर है ना, बहुत भीड़ लग जाएगी, फोटो फोटो कॉलिंग बहुत है भाई। मैंने तो बचपन से साथ पढ़ा, मैं खुद ही नहीं पहचान पाया भाई, बताओ सब्सक्राइबर तो दूर की बात भाई। तो भाई लौंडे फुल जोश में है, तुमको अगर व्लॉग पसंद है सब्सक्राइब जोर से कर लेना, अगला व्लॉग देखना भाई बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा फन करने वाले सारे भाई लोग मिल चुके हैं, बाकी चेहरा पूरा ढका है मैंने, और सब्सक्राइब जोर से कर लेना, मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सोच मत कुछ रहो, बाय बाय।